आज जन सरोकार मंच टोंक के साक्षात्कार कार्यक्रम में हम राजस्थान के सुपरिचित कलाकार हीरालाल भदरेचा जी का साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। हीरालाल जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। हीरालाल जी, आज आपसे बातचीत करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि कला की ओर काष्ठ कला, चित्रकला और ललित कला के अन्य रूपों की तरफ आपका ध्यान, आपकी अभिरुचि कैसे कायम हुई, इसके बारे में आप बताएं। स्कूल में करता था, तीसरी क्लास में मार्केट में जाता था, लोगों के आर्ट देखता था, तो उनको देख के मेरा भी मन होता था कि मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा। तो धीरे धीरे पेंसिल स्केच करना पड़ा, उसके बाद में धीरे धीरे किसी जगह पेंटिंग के यहाँ काम पे लग गया। काम भी करता था और स्कूल भी जाता था, तो ऐसे ऐसे तो आपके पिताजी क्या करते थे, आपके पिताजी क्या काम करते थे, पिताजी परिवार का पेशा क्या था? कारपेंटर है। पिताजी का तो 1973 में देहांत हो गया था। अच्छा, ऐसे वो क्या करते थे? ऐसे वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, डॉक्टर भी थे। अच्छा, तो पिताजी से आपने क्या क्या सीखा? ये पिताजी को मैंने याद ही नहीं है, पिताजी मैंने देखे नहीं। अच्छा, पिताजी को आपने देखा भी नहीं है, याद नहीं है पिताजी की? बचपन में ही पिताजी, बचपन में ही, बहुत छोटी उम्र में ही जब आप थे तो पिताजी गुजर गए। अच्छा, तो अपनी माँ के बारे में आप बताएं। माँ आप? अच्छा, माँ है जी। माँ का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आप अभी जोधपुर में ही रहते हैं, प्रताप नगर में? हाँ जी, जोधपुर। अच्छा, तो आपकी जो कलाकृतियां हैं, आपकी जो कलाकृतियां हैं इनकी काफी प्रशंसा हुई है, तो उसके बारे में बताएं। आपको अपनी किस किस पेंटिंग को पुरस्कार मिला है और कहाँ कहाँ आप गए हैं, आपके एग्जीबिशन कहाँ कहाँ हुए हैं? मेरा काम मिनिएचर आर्ट है, मिनिएचर आर्ट का है। मिनिएचर से मुझे आगे कम के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया और मेरा मेन काम है मिनिएचर पेंटिंग। उस पेंटिंग में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था और पोर्ट्रेट बनाने में अमेरिका से मिला कुछ पोर्ट्रेट के लिए, पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए बड़ी पोर्ट्रेट में 6 फुट की। अच्छा, क्या उसका विषय क्या था? उसके वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति का सलाहकार था, उनका मैंने पेंटिंग बनाया था, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। विश्व शांति के लिए भी और आतंकवाद के खिलाफ सृजन के लिए भी आपको पुरस्कार मिले हैं। बच्चों को सीखा था फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रामीण जनजीवन से आपका काफी प्रेम रहा है हीरालाल जी, ग्रामीण जीवन के जो बिंब सम है इमेजेज, वो आपकी पेंटिंग में बहुत ही सुंदरता से रेत पर अपनी ऊंट गाड़ी से गुजरते हुए लोग और हुक्के पीते हुए राजस्थान के लोग है ना, और वहाँ की नववधुएं, ग्रामीण जीवन की सुंदरता जो है वो आपकी पेंटिंग का विषय बनी है बहुत ही अच्छे ढंग से।
आपने चित्रण किया है उसके बारे में बताएं। मैं जैसे तो लोगों के इस कैमरे में कैद करके मैंने बना दी इनको भेज दिया तो अच्छा लगता है सर खुला खुला जो मौसम अच्छा। आपके परिवार में भी कौन कौन लोग हैं माँ के अलावा? मेरे बड़े बच्चा है तो मेरे बच्चे भी है सब है। अच्छा अंकल है अंकल ने मुझे पाला पोसा बना दिया। तो आपको क्या ये ग्लास पेंटिंग या पेपर पेंटिंग या फैब्रिक पेंटिंग अच्छी लगती है या फिर वुड वुड आर्ट जो है वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? मुझे पूछा मैं जितने तरह की पेंटिंग है सभी मैं बनाता हूँ सभी अच्छी लगती है एक सब और मॉडर्न आर्ट मुझे पसंद नहीं करती। मॉडर्न आर्ट तो अच्छी होती नहीं है राजस्थान में आप सारे राजस्थान का भ्रमण आपने किया होगा सर? जी आप राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में आप कहाँ कहाँ गए हैं? क्या सारे राजस्थान का भ्रमण आपने किया है? मैं बाड़मेर गया हूँ बीकानेर गया हूँ जयपुर बीकानेर भी आप गए हैं? बीकानेर भी आप गए हैं? हाँ जी। तो बीकानेर में आपने क्या क्या देखा? बीकानेर में मैं भी रहा हूँ कुछ दिनों तक। आप बीकानेर में आपने क्या क्या देखा? माता जी का मंदिर देखा अच्छा देशनोक में देशनोक का जो मंदिर है करणी माता का मंदिर। हाँ जी जहाँ छुए जाया बिल्कुल बहुत सुंदर मंदिर है वो संगमरमर का सफेद संगमरमर का बना हुआ मंदिर और करणी माता की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। अच्छा तो राजस्थान अपने राज्य से आपका बहुत सारा प्रेम है गहरा प्रेम है यहाँ की प्रकृति से परिवेश से। तो आपने अपनी पेंटिंग में राजस्थान का चित्रण किया है यहाँ के खेत खलिहान यहाँ की मरुभूमि ये सब आपकी पेंटिंग्स में चित्रित हुए हैं तो इनके बारे में आप बताएं कि राजस्थान कैसे आपका विषय बना आपका अपने राज्य अपना गृह राज्य। जन्म तो पाकिस्तान हुआ है इंडिया आ गए थे यहाँ 1971 में आप इंडिया 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई ना तब हम इधर आ गए इंडिया। आप 1971 में भारत आए? हाँ जी। उसके पहले आप पाकिस्तान में थे? हाँ जी आजकल मैं पाकिस्तान का के नंबर इंडिया आए तब डेढ़ महीने का था। तो पाकिस्तान में आपका घर कहाँ पर था किस प्रांत में किस शहर में? पाकिस्तान में अलनाबाद कोई है गाँव मुझे तो याद नहीं है सुना है जैसे। तो वहाँ से भारत आने का कैसे मतलब कार्यक्रम बना कैसे भारत आने के बारे में आप लोगों ने सोचा? कार्यक्रम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई ना हाँ युद्ध हुआ था ना दुनिया के हम आके। अच्छा युद्ध के दौरान ना भारत आए? हाँ आधे उधर ही गए आधे गए आधे इंडिया आधे आधे जहाँ पर आधे बाड़मेर गए आधे जोधपुर गए। अच्छा तो यहाँ पर आने के बाद आपने पेंटिंग शुरू की या जब आप पाकिस्तान में थे तभी से आप पेंटिंग कर रहे हैं? ये पाकिस्तान से इस तरह से डेढ़ महीने का था
1981 से मुझे पेंटिंग चालू की है। अच्छा 1981 से पेंटिंग आप कर रहे हैं। हाँ जी आप 1981 से पेंटिंग कर रहे हैं। अभी नहीं नहीं आप 1981 से ही पेंटिंग कर रहे हैं। 1981 से ही आप पेंटिंग कर रहे हैं तो करीब मतलब 40-42 साल हो गए। 40-42 साल हो गए। 40 से हो गई आराम से। तो आपको राजस्थान सरकार ने भी आपको पुरस्कृत किया है। हाँ जी उसके बारे में बताएं। मुख्यमंत्री महोदय ने आपको क्या पुरस्कार प्रदान किया और आपने क्या आप इसके बारे में बताएं। मैंने महाराणा मान सिंह जी के उनके पीरियड की आदि तिलक में फोटो बनी थी राज तिलक की मिनीचर गन की। अच्छा उसके मुझे मिला जयपुर में मिला यानी जोधपुर में जयपुर में। अच्छा बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर आप ये बताइए कि ये हमारे देश में जो चित्रकला की जो परंपरा है तो उस परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हैं। चित्रकला का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है आज के जमाने में। चित्रकला तो बहुत चित्रकला में आर्ट के पीछे तो संसार का मतलब आर्ट है। आर्ट इंसान को तो जीवन दान देती है। जोधपुर शहर के बारे में बताएं सर। जोधपुर शहर में आप जब से रह रहे हैं तब से जोधपुर शहर आपको कैसा लगता रहा है। जोधपुर सुंदर शहरों में है देश के। जोधपुर से बहुत अच्छा है। शांत वातावरण है सभी लोग शांति में रहते हैं। पर्यटक भी यहाँ आते हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ देखने सब आते हैं घूमने घूमने आते हैं लोग। हाँ जी पर्यटक आते हैं इंडिया से बाहर से भी आते हैं। हाँ जी अच्छा क्या आप कभी सर राजस्थान से बाहर भी गए हैं। हाँ आज ही गए हूँ। कहाँ कहाँ गया है आप कहाँ कहाँ गए हैं सर। अहमदाबाद गया हूँ बेंगलोर। अच्छा अच्छा चेन्नई। अच्छा दिल्ली। अच्छा दिल्ली भी आप गए हैं और इंडिया से बाहर भी गया। बाहर भी गए हैं इंडिया से बाहर दुबई गया अमेरिका गई। अच्छा अच्छा बाहर भी गए हैं अमेरिका का आपने यात्रा आपने की है। और कहाँ गए हैं सर आप। तो सर आपने क्या महसूस किया दुनिया में लोग जो हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। भारत के कलाकारों से मिलकर के बाहर के लोगों को क्या लगता है। दुबई वाले बहुत अच्छे हैं। छह साल तक काम करे काम किया था छह साल का। अच्छा दिल्ली के बारे में कैसा लगा सर आपको। दिल्ली शहर बहुत सुंदर शहर है। दिल्ली में कहाँ कहाँ गए आप घूमने के लिए। प्रगति मैदान गया एग्जीबिशन लग रही थी। प्रगति मैदान प्रगति मैदान है। हाँ हाँ प्रगति मैदान में भी गया हूँ। हाँ पुस्तक मेले भी वहाँ लगते हैं। तो प्रगति मैदान में आपने आपकी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा था सर। और कहाँ गए प्रगति मैदान के अलावा और कहाँ गए दिल्ली में। अच्छा और कहीं नहीं गए फिर वापस जोधपुर लौट कर चले आए। तो सर आपकी रुचि साहित्य में भी सर होगी। हिंदी के अलावा और किन किन भाषाओं को आप जानते हैं। हिंदी और राजस्थान मारवाड़ी
इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो सर आप ये प्राध्यापक भी हैं, आपके नाम के आगे प्रोफेसर शब्द जुड़ा हुआ है, वो आर्ट में मिला है। अच्छा, आर्ट में मिला है, आर्ट किसी संस्था में आपको सम्मानित किया है, प्रोफेसर प्रोफेसरशिप से आपको सम्मानित किया है, वो भी आर्ट में, फाइन आर्ट में, फाइन आर्ट में। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो पेंटिंग आप कब करते हैं, रात में करते हैं कि दिन में करते हैं, कब करते हैं? जब छुट्टी होती है तब करते रहता हूँ, बाकी जॉब करता हूँ। अच्छा, शुरू में आप अपनी आप वुड आर्ट के लिए सामग्रियां जो हैं वो कहाँ से लाते थे, लकड़ियां वगैरह आप कहाँ से मतलब संग्रहित कर? किन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल आप करते थे कास्ट कला की कृतियों को बनाने में? आपकी आपकी पेंटिंग्स में ऊंट जो है वो उनका वो अक्सर दिखाई देते हैं, मरुभूमि में ऊंट गुजर से गुजरते हुए ऊंट, उनकी पीठ पर सवार लोग है ना, तो ऊंटों के बारे में आपका क्या कहना है सर? आज भी राजस्थान में ऊंट जो है वहाँ की के जनजीवन में के प्रमुख प्राणी हैं, ऊंटों के बारे में क्या कहना है आपका? गाड़ियों वाले तो अभी आगे, पहले सब लोग ऊंट होते थे जाते थे, जान जाना था ऊंट हो गया, और ऊंट अच्छे लगते सिटी में आ जाए अच्छे नहीं लगते यहाँ। पहले ऊंट ही मतलब राजस्थान में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अच्छा, ऊंट पर ही लड़कियां अपने ससुराल से नहर आती थी, ऊंट पर ही व्यापारी जो हैं अपना सामान लाद कर आते जाते थे। बारातें भी ऊंटों पे आती थी, बारात भी हाँ, बारात के दिल्ले का ऊंट पे बैठ के बाराती भी ऊंटों पे आती। ओ, ऊंटों पर ही बारात भी जाती थी, आती थी। तो ऊँटों के काफिले हुआ करते थे ना, तो ऊँट आज भी मतलब जो है वो राजस्थान में संरक्षित प्राणी है ना? राजस्थान में गाँव में है अभी, अब तो रेगिस्तान में भी सड़कें बन गई हैं। हाँ, नई पीढ़ी के बच्चों को भी आप कला शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, बच्चों को कैसे आप शिक्षा देते हैं, कहाँ बच्चे जो है वो जुटते हैं, उनको क्या क्या आप सिखाते हैं? बच्चों को मैं हमारे एक धर्मशाला भी खोली हुई है जहाँ अनाथ बच्चे आते हैं, बच्चे जाते हैं और पेंटिंग भी सीखते हैं, सारा काम बच्चों के। तो मैं जगह जगह जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, मैंने एक बार या मैंने एक बार लोग बुलाते हैं जाता। मैंने पैसों के लिए कभी काम किया नहीं है अभी तक। कला के अलावा सर, चित्रकला के अलावा और दूसरी कलाओं से भी आपका प्रेम होगा, कविताओं से प्रेम होगा आपको? लकड़ी का कार्य जानता हूँ। लेखों में आपने सर किन किन लेखों को पढ़ा है, किन किन लेखों को आपने पढ़ा? जोधपुर ज्यादा नहीं है। अच्छा, हीरा लाल जी, आपसे आज के कार्यक्रम में मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। आप सतत साधनाशील रहे, सृजनशील रहे और दुनिया में को शांति प्रेम का संदेश आप देते रहे हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं सब चीजों की जरूरत है,
कि लोग आपस में शत्रुता को भूलकर जीवन के प्रति आस्था और प्रेम के भाव को अपनाएं और मित्रता और प्रेम से रहें। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेना चाहता हूं। आपसे फिर बातचीत होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, बहुत सृजनशील रहें आप। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते सर।